हेलो एवरीवन माई सेल सी ए काजल डेरोलिया हमारा आज का जो सेशन है वो बेस्ड है ऑन व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस बेसिकली आज की पूरी क्लास में हमें ये समझना है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है उसकी मीनिंग क्या है उसी पे हम लोग को एक डिटेल डिस्कशन करना है तो चलो हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको हम एवरेज के नाम से भी जानते हैं बेसिकली इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों यूजफुल होता है स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी बड़ी सीरीज होती है जहाँ पे बहुत सारे आइटम्स और ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं तो उस सीरीज का एक ओवरऑल आइडिया जानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अब जैसे लेट से इफ़ इन केस मान लो कि एक क्लास है जहाँ ऑन एन एवरेज फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं किसी का फोर्टी परसेंट आता है किसी का फिफ्टी परसेंट एंड किसी का सिक्सटी परसेंट तो अब पूरी की पूरी क्लास को अगर हमें एनालिसिस करना है तो हम सिंपली ये चीज़ बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज सारे स्टूडेंट्स का फिफ्टी परसेंट रिजल्ट आता है तो इससे एक ओवरऑल हमें उस पूरे क्लास का या पूरे ग्रुप का आइडिया लग जाता है कि वो पूरा का पूरा ग्रुप कितना इंटेलिजेंट है क्लियर वैसे ही हम क्या करते हैं कि ये एक अगर मान लो सीरीज है जहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं और ऑब्जर्वेशन हैं तो उस सीरीज को कंप्लीटली समझने के लिए हम उसकी सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं देखो हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि अ सिंगल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द होल ग्रुप जो पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है इस सेलेक्टेड च मे कन्वे अ फ्योरली एडुकेट आइडिया अबाउट द होल ग्रुप अब क्योंकि देखो पूरे ग्रुप पे हम डिस्कशन कर सकते हैं बट हम क्या चाहते हैं कि हमने ग्रुप देखा और हम एक ओवरऑल आइडिया लगा ले कि हाँ इस ग्रुप की ये क्वालिटी है क्लियर तो इफ़ इन केस हमें पूरे ग्रुप का एक एडुकेट आइडिया लगाना हो तो नो डाउट हम क्या करेंगे उस पूरे के पूरे ग्रुप से कोई एक सिंगल एक्सप्रेशन सेलेक्ट करेंगे एंड वो सिलेक्टेड सिंगल एक्सप्रेशन पूरे के पूरे ग्रुप को प्रॉपर तरीके से होल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पाएगा हम क्या करेंगे पूरे होल ग्रुप में से एक सिंगल एक्सप्रेशन चूज करते हैं या एक सिंगल आइटम चूज करते हैं जो कि पूरे के पूरे, पूरे ग्रुप को प्रॉपरली और फेयरली रिप्रेजेंट कर पाए क्लियर और इस सिंगल एक्सप्रेशन को ही हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस यहाँ देखो हमने भी किया कि average. अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम एवरेज मतलब क्या सेंट्रल पार्ट जो भी हम एवरेज निकालते हैं किसी भी ग्रुप का उसको सेंट्रल पार्ट क्यों बोला जाता है क्योंकि देखो अगर हम लोग बात रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी की इसमें तीन चीजें आती हैं मीन मीडियन मोड मीन क्या करता है कि पूरे के पूरे होल ग्रुप का एक पर्टिकुलर एवरेज निकालता है और वो एवरेज बेसिकली आप देखोगे ना तो मिड वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है और सेंट्रल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है मीडियन नो डाउट ये तो बिल्कुल मिड पॉइंट होता ही है किसी भी डेटा का एंड अगर मोड की बात करें तो मोड बेसिकली हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी को शो करता है तो कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो वो मिड वैल्यू हो ही क्लियर इसीलिए देखो हमने यहाँ पे लिखा है जनरली कि जो एवरेजेस हैं वो जनरली क्या रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सीरीज के सेंट्रल पार्ट को क्योंकि मीन में भी हम लोग सेंट्रल पार्ट लेके चलते हैं एज वेल एज मीडियम में भी हम लोग सेंट्रल पार्ट लेकर के चलते हैं क्लियर अगेन हम यहाँ पर डिस्कशन करें कि एवरेजेस क्योंकि वो जनरली सेंट्रल पार्ट होते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का इसीलिए हम उनको कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट अगर देखा जाए मोड तो मोड बेसिकली कभी भी सीरीज की सेंट्रल वैल्यू को और मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि वो रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आइटम को क्लियर तो यहां इसीलिए याद रखना कि हमने जर्नली मेंशन किया है क्योंकि एवरेजेस जर्नली क्या शो करते हैं ओवरऑल सीरीज का सेंट्रल पार्ट तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि एवरेजेस को हम लोग सेंट्रल पार्ट भी कहते हैं और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं नेक्स्ट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ओवरऑल जो हमें डिस्कशन करना है सेंट्रल टेंडेंसी में वो तीन पॉइंट करना है अबाउट मीन अबाउट मीडियन एंड मोड मीन बेसिकली क्या होता है किसी भी सीरीज का एवरेज जैसे अभी हमने बताया था कि अगर हमारे पास क्लासरूम में तीन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं पहली कैटेगरी फोर्टी परसेंट वाली सेकेंड कैटेगरी फिफ्टी परसेंट वाली एंड थर्ड कैटेगरी वाली तो हम जर्निम में सारे स्टूडेंट्स का ऑन एन एवरेज एंड स्कोर होता है एग्जाम में तो हमें ओवरऑल आइडिया पूरे के पूरे ग्रुप का लग जाता है कि हाँ सारे के सारे स्टूडेंट किस तरह के हैं बिलो एवरेज है एवरेज है, है और इंटेलिजेंट है क्लियर मीडियन की बात करें तो मीडियन मतलब क्या होता है बिल्कुल मिड पॉइंट जो मिड पॉइंट होगा पूरी सीरीज का तो अगर हमें मिड पॉइंट पता चल गया लेट से हमें पता है कि हमारा मीडियम थ्री है मिड पॉइंट तो हमें पता चल जाएगा कि इसके पहले वन टू रहा होगा और इसके बाद फोर फाइव रहा होगा तभी तो ये मिड पॉइंट है तो ओवरऑल हमें सीरीज का आइडिया लग जाता है विद द हेल्प ऑफ मीडियन एंड मोड की बात करें तो मोड मतलब होता है हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज कि सीरीज में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है तो मोड से हमें पूरे ग्रुप का क्या आइडिया लगता है कि अच्छा इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब बाकी जितने भी आइटम्स होंगे उनकी इससे तो एटलीस्ट कम फ्रीक्वेंसी होगी यही ना मोड से हम एक ओवरऑल आइडिया लगा सकते हैं किसका सीरीज का कि अच्छा अगर हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी टेन है इसका मतलब बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी सारे आइटम्स और ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट टेन से तो कम रही होगी क्लियर यहां देखो हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मेंशन कर दिया कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने बताया मीन है मीडियन है और मोड है और हमें इन्हीं तीन पॉइंट पे डिस्कशन भी करना है बट अगर मीन की बात करें तो ये मैथमेटिकल मेजर्स है क्यों क्योंकि हम इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज मैथमेटिकल मेजर्स में क्या आएगा मीन आएगा और मीन बेसिकली तीन तरह का होता है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हारमोनिक मीन सब पे डिटेल डिस्कशन हम करेंगे एंड पोजिशनल मेजर्स में क्या क्या चीजें आती हैं मीडियन एंड मोड क्योंकि देखो मीडियन सिंपली किसी भी सीरीज की मिड वैल्यू को शो करता है और मोड हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी को शो करता है क्लियर तो ये पोजिशनल मेजर्स है कि विदाउट कैलकुलेशन भी आप मीडियन और मोड कैलकुलेट कर सकते हो कैसे मीडियन किसी भी सीरीज की मिड वैल्यू को ले लो तो वो मीडियन हो गया और किसी भी सीरीज की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को ले लो तो वो मोड हो गया तो बेसिकली यहाँ पे आप बिना कैलकुलेट किए भी मीडियन और मोड बता सकते हो बट अगर मीन की बात करें तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना होता है फॉर्मूले पे बेस्ड होके हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया मैथमेटिकल मेजर्स इसलिए इसका और क्या नाम है मैथमेटिकल मेजर्स जहां पे बेसिकली हमें कैलकुलेशन करना होगा तो मीन तीन तरह का होता है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन सब पे डिटेल डिस्कशन हम करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन था ऑन इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हर एक सिंगल पॉइंट पे मीन क्या होता है मीडियम क्या होता है मोड क्या होता है सब पे हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सो so दैट आपको जो भी नई क्लास हमारी आए रिलेटेड टू तो स्टैटिस्टिक्स उसके अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिल जाएं। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एंट्रेंस लेवल में कवर करता है चाहे आप ई का एग्जाम दे रहे हो एस एस का एग्ज़ाम दे रहे हो यू जी नेट में आपको अपियर करना हो एम कॉम एंट्रेंस बी कॉम एंट्रेंस हर एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे स्टैटिस्टिक्स कवर करता है तो हमने अपनी ये पूरी सीरीज स्टैटिस्टिक्स की इसीलिए स्टार्ट की है सो दैट सबके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं साथ ही साथ हम ऑलमोस्ट पर डे टेन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे टेन एमसीक्यूज़ का एंड उसका क्लास एवरी डे फोर पी पे हम अपलोड करेंगे एंड वो सारे क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट होंगे हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टैटिस्टिक्स के डिस्कशन के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बेसिकली उस चैनल पे जो भी नोट्स पी रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स होंगे क्वेश्चन वो सब आपको अपडेट कर दिए जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर आज की क्लास में कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना आज के लिए बस इतना Thank you so much.